हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज करवा चौथ व्रत के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। करवा चौथ पर महिलाएं गलती से भी ना खाएं ये चीज़, तो जाने इसके लिए कुछ नियम। नियम जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं व्रत के नियम को। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हर साल करवा चौथ मनाया जाता है। इस व्रत को शुरू करने से पहले सुहागिन स्त्रियां सरगी का सेवन करती हैं। करवा चौथ व्रत वाले दिन सरगी सूर्योदय से पूर्व 4 से 5 बजे के करीब कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सरगी में महिलाओं को किस तरह के भोजन करना चाहिए और किस तरह के भोजन नहीं करना चाहिए। माताओं एवं बहनों, सरगी में हमें ड्राई फ्रूट्स, नारियल, पानी, मिठाई, मौसमी फल, दूध, दही, पनीर जैसी हल्की और एनर्जी से भरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सेहत के लिहाज से सरगी में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। बहनों, हमें यह ध्यान रहे कि तेल मसाले वाला भोजन हमें नहीं ग्रहण करना है। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा की पूजा के बाद किया जाता है। इस साल करवा चौथ पर शिव परिवार और करवा माता की पूजा का समय 13 अक्टूबर 2022 को शाम 6:01 से शाम 7:15 तक है। वहीं करवा चौथ का चांद 13 अक्टूबर 2022 को रात 8:19 पर निकलेगा। करवा चौथ व्रत का पारण पति के हाथों कड़वा का जल पीकर किया जाता है। उसके बाद प्रसाद की मिठाई और फल ग्रहण करें। व्रत खोलने के बाद चाय कॉफी का सेवन नहीं करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणी को दान करना ना भूलें। साथ ही पूजा में चढ़ाए गए सुहाग के पिटारे को घर में सुहागिन महिलाओं को जरूर दें। मान्यता है इससे सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।